With the perfect blend of rivers, mountains, and serenity, Rishikesh has something for everyone. जैसे जैसे आप ऋषिकेश शहर के और करीब आते हैं, आपको हवा में शुद्धता और शांति महसूस होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पवित्र स्थानों में से एक होने के साथ साथ ऋषिकेश एक ऐसा निवास भी है जो दुनिया भर के लोगों को खुले हाथों से स्वागत करता है। ऋषिकेश को दुनिया की योग कैपिटल भी कहते हैं और मुझे लगता है कि इसकी बड़ी वजह गंगा नदी है। ऋषिकेश में गंगा रिवर के सामने आउटडोर योगा करने का अलग ही मजा है। इट्स अ परफेक्ट स्टार्ट टू माय डे। गंगा इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऋषिकेश। चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस, रिलीजियस रिचुअल्स या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स, गंगा के होने से ऋषिकेश में सभी की दिलचस्पी का कुछ ना कुछ जरूर है। गंगा नदी के दोनों तरफ डेंस पॉपुलेशन है एंड दो देर आर सेवरल वेज टू क्रॉस दिस माइटी रिवर, आई चोज टू गेट क्लोजर टू इट वाया स्पीड बोट। ऋषिकेश इज मैजिकल। स्पिरिचुअल ऑरा और कुदरत की खूबसूरती का अनोखा संगम है यहाँ। इट्स इनडीड अ प्लेस वेर यू कैन एंजॉय थ्रिल्स ऑफ नेचर एंड ऑल्सो सर्च योर इनर कॉलिंग। Guess what we are going to be doing next? Well, I did mention adventure before, right? Rafting is a great experience, but after all the hard work, it makes you really hungry. वैसे खाने के लिए तो कई रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ, लेकिन ऋषिकेश की खासियत है चोटी वाला रेस्टोरेंट। यहाँ की थाली सुपर डिलिशियस है और साथ में आप लस्सी या छाछ अपनी पसंद के मुताबिक चूज कर सकते हैं। मैंने हाल ही बना जानकी सेतु भी देखा। यहाँ ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए बेहतर व्यवस्था है। अपने सफर में मैंने ऋषिकेश के मशहूर राम झूला और लक्ष्मण झूला भी देखे। ये पुल टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ते हैं। लोगों का मानना है कि जिस रास्ते भगवान राम और लक्ष्मण ने गंगा नदी पार की थी, वही ये पुल बने हैं। पैदल सैर करते हुए मेरी नजर एक खास फल पर गई, राम फल। इट्स आल्सो नोन एज फ्रूट ऑफ ऋषिकेश। इसका स्वाद काफी यूनिक है। अगर आप कभी भी ऋषिकेश आए तो राम फल जरूर ट्राई करें। इसके साथ ही मैंने यहाँ की खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरीज भी खाई। हमारा नेक्स्ट स्टॉप करीब एक घंटे दूर था, तो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने से पहले हमने अपनी गाड़ी एक पेट्रोल पंप पे रोकी। और गाड़ी में फ्यूल भरवाने के बाद हम चल पड़े टू आवर डेस्टिनेशन नीर झरना। So, without holding myself back even for a minute, I headed for a unique trekking experience. इस जगह को नीर झरना कहते हैं। Though at few stretches the path is a bit steep and my muscles have to work hard, but the best part is that there are small tea and snack spots along the way where you can stop and enjoy the view from different points of the climb up. Hello.
दिन ढल रहा था और ऋषिकेश के लिए ये वक्त है अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में डूबने का। गंगा आरती युगों से चली आ रही आस्था का प्रतीक है। सच कहूं तो यहाँ की आरती, भजन, भक्ति आपको किसी अलौकिक दुनिया में ले जाते हैं, जहां मन शांति और श्रद्धा से भर जाता है। ऋषिकेश has been an absolute delight. इस शहर के रंग, लोग और एक अलग सा सुकून हमेशा मुझे वापस बुलाता है। Thank you so much for watching our video. If you want more such content, don't forget to follow us and subscribe to our YouTube channel.